मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में कोरोना से मरने वाले मरीज की डेड बॉडी एम्बुलेंस से शमशान घाट ले जाई जा रही थी। एम्बुलेंस का दरवाजा झज्जर होने के कारण रास्ते में खुल गया और डेड बॉडी बाहर गिर गई। इसे लेकर मृतक के परिजनों ने खासा हंगामा भी किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में प्रशासन ने और सख्ती बरतने का फैसला लिया है, जिसके चलते बेशक शादी जैसे जरूरी समागम करने की इजाजत दी जाएगी। विवाह समारोह की सारी रस्में महज 3 घंटे में पूरी करनी होगी। ऐसे में शादी की तमाम तैयारियों को लेकर पहले से ही ऑर्डर करके विवाह स्थल पर इन 3 घंटों के दौरान ही व्रत के सामान गिफ्ट वगैरह मंगवाने होंगे। विवाह समारोह में तय समय सीमा शामिल होने वाले लोगों की संख्या, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से बचाव को लेकर जरूरी इंतजाम किए गए हैं या नहीं की जांच के लिए प्रशासन की ओर से नियुक्त नोडल अफसर अचानक मौके पर जांच करने भी पहुंचेंगे। पंजाब के जालंधर इलाके में नकोदर रोड पर नशा तस्करों का विरोध करने पर 2 युवकों पर जानलेवा हमला करने की खबर सामने आई है। यहां बाइक सवार 2 युवकों पर तलवारों से वार किए गए और पत्थर से उनका सिर फोड़ दिया गया। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दोनों गंभीर घायल युवकों को अस्पताल दाखिल कराया गया। बताते हैं कि ये दोनों युवक बस्ती शेख इलाके के रहने वाले हैं। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार जख्मी होने वाले युवकों के नाम अजय और सोनू हैं। उनके परिजनों और परिचितों का आरोप है कि इलाके के 2 युवक नशा तस्करी का नेटवर्क चलाते हैं। घायल होने वाले दोनों युवक उनका विरोध करते थे, इसी रंजिश के चलते उनके ऊपर हमला किया गया। ये घटना देर शाम की बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में कोरोना से मरने वाले मरीज की डेड बॉडी एम्बुलेंस से शमशान घाट ले जाई जा रही थी। एम्बुलेंस का दरवाजा झज्जर होने के कारण रास्ते में खुल गया और डेड बॉडी बाहर गिर गई। इसे लेकर मृतक के परिजनों ने खासा हंगामा भी किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में प्रशासन ने और सख्ती बरतने का फैसला लिया है, जिसके चलते बेशक शादी जैसे जरूरी समागम करने की इजाजत दी जाएगी। विवाह समारोह की सारी रस्में महज 3 घंटे में पूरी करनी होगी। ऐसे में शादी की तमाम तैयारियों को लेकर पहले से ही ऑर्डर करके विवाह स्थल पर इन 3 घंटों के दौरान ही व्रत के सामान गिफ्ट वगैरह मंगवाने होंगे। विवाह समारोह में तय समय सीमा शामिल होने वाले लोगों की संख्या, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से बचाव को लेकर जरूरी इंतजाम किए गए हैं या नहीं की जांच के लिए प्रशासन की ओर से नियुक्त नोडल अफसर अचानक मौके पर जांच करने भी पहुंचेंगे। डेस्क रिपोर्ट जनहितेशी न्यूज़।